नमस्कार। अमूमन आपने ये सुना होगा कि किसान बहुत ज्यादा यूरिया डालता है, इतनी यूरिया की जरूरत नहीं है, जमीन में ये हो गया वो हो गया। बहुत सी बातें यूरिया को लेके सुनी होंगी कि ज्यादा यूरिया डालेंगे, यूरिया से सब बर्बाद हो गया, यूरिया से कैंसर हो गया। इस वीडियो में थोड़ी मैं आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा और ज्यादा इन लोगों की बातों के बहकाव में आप ना आए, तो इसलिए मैं आपको एक बेस जो न्यूट्रिएंट गेहूं में यूरिया स्पेशली कितना देना चाहिए, मतलब सामान्य उपज के लिए, उसका मैं एक आइडिया दूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप 60 क्विंटल, 70 क्विंटल, 80 क्विंटल, 90 क्विंटल प्रति हेक्टर या मोर देन 90 क्विंटल प्रति हेक्टर के ऊपर प्रोडक्शन की साइड जा रहे हो तो आपको कितना यूरिया डालना चाहिए या इन लोगों की इन बातों में आ जाना चाहिए। मैं मेन मुद्दे की बात पे आऊंगा, थोड़ी सी इस बात को कहते हैं कि डायरेक्टली यूरिया अप्लीकेशन से कोई सॉइल पे कोई बहुत ये बंजर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे या वो माइक्रो बायोडायवर्सिटी तो जीरो होगी, सिर्फ यूरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं भी जैविक खेती और ये सब प्राकृतिक खेती ये सब खूब पढ़ता हूँ, खूब इंटेंस पढ़ता हूँ, चीजें समझता हूँ, तो आप ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आया। अब भाई हमारा एक उद्देश्य उत्पादन लेना भी है, और रियली आप खेती करते हैं तो इस बात को आप समझते भी होंगे, ठीक है, किस हिसाब से लागतें और वो सब चीज बढ़ रही है, ठीक है। एनीवे, बात सीधी स्टार्ट करते हैं कि गेहूं में हमें कितना यूरिया देना चाहिए। देखिए, गेहूं में सामान्यता सामान्य ये 85 क्विंटल के आसपास ऊपर जहां मानी जाती है, ली जाती है, उसके हिसाब से ये माना जाता है कि 125 से 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर गेहूं के अंदर देना चाहिए। 125 से 150 का मतलब हुआ आप दो बार में भी दे सकते हो, एक बुआई के टाइम में दे सकते हो और एक आप इसको पहले ही पानी पे दे सकते हो, या आप इसको तीन टुकड़ों में दोगे तो बेहतर है, ज्यादा आपको नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि जो कुल आप नाइट्रोजन देते हो तो वो मेनली यूरिया के मार्फत देते हो वो पौधे को बहुत कम मिल पाता है। ये इसका नाइट्रोजन का ऐसा नेचर है, कई वजह से ये लोसेस इसमें होते हैं, तो जो कुल नाइट्रोजन आप देते हो उसका 30 से 40% ही पौधा ले पाता है। इसलिए बेहतर होगा नाइट्रोजन को या कह दो यूरिया को आप तीन टुकड़ों में तोड़ के दो, पहला डोज आप बुआई के समय दो, दूसरा डोज आप दो इसमें पहली सिंचाई पे और तीसरा डोज आप दो इसमें दूसरी सिंचाई के ऊपर। कुल अपन ये मान के चलते हैं 120 से 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर के आसपास देनी चाहिए। तो यदि 120 से 150 देते हो तो आप 40 से 50 किलो के तीन टुकड़े करेंगे, और 40 से 50 किलो का पहला जो टुकड़ा बुआई के समय आप दे रहे हो वो आप संभवतः ज्यादातर किसान 2 से 3 कट्टे प्रति हेक्टर के हिसाब से डीएपी देते हैं, तो उससे 18 से 27 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर चली जाती है। तो जो 18 से 27 में इसको मोटा मोटा ये मानो 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर चली जाती है। तो आपको देना कितना, 40 से 50 देना था और आपके 25 से किलो चल गई, तो आपको कितना देना है और 15 से लेके 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर देना है। और इसको यदि यूरिया में मैं कन्वर्ट करूं तो एक बैग यूरिया प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको बुआई के समय यूरिया दे देनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक। एक बात, अब ये डीपी वालों की बात होगी, एसएसपी से जो खाद देते हैं उसको यूरिया कितना देना चाहिए बुआई के टाइम में, उसकी बात अपन आगे करेंगे। अब जो आपको नाइट्रोजन के दो टुकड़े और देने हैं, पहले पानी पे दूसरे पानी पे, कितने कितने, 40 से 50 किलो प्रति सिंचाई पे, पहली पे दूसरी पे देना है। तो 40 से 50 किलो नाइट्रोजन देने के लिए आपको यूरिया देना पड़ेगा बॉस, कितना देना पड़ेगा आपको, इसको मोटा मोटा एकड़ में मैं यदि कन्वर्ट करके बताऊं आपको, तो एक बैग यूरिया प्रति एकड़ देना पड़ेगा। एक बैग यूरिया प्रति एकड़ कब देना पड़ेगा आपको, पहले पानी पे, और एक बैग यूरिया प्रति एकड़ कब देना पड़ेगा आपको, दूसरे पानी पे। और यदि आप एसएसपी ही दे दी है बुआई के समय, तो एसएसपी के साथ में आपका एक बैग प्रति एकड़ आपका बुआई के समय भी यूरिया चला जाना चाहिए। ये जो यूरिया की मात्रा मैं बता रहा हूँ ये बेस यूरिया है, इससे नीचे आप नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से आपको किसी पर। अब हमारा जो ये राजस्थान का, जैसे मैं कोटा रीजन में हूँ, यहाँ सामान्यता जो किसान उपज लेता है वो 55 क्विंटल से लगा के 70 क्विंटल पर हेक्टर के आसपास देता है। तो यदि आप 50-55 क्विंटल से 70 क्विंटल के ऊपर की साइड, ऊपर की साइड जा रहे हो, तो यदि जो मैंने एक आपको यूरिया की मात्रा बताई इसमें यदि आप इसको सवाया करोगे तो आपको अच्छी उपज मिलेगी, इवन डेढ़ा कर दोगे तो भी आपको अच्छी उपज मिलेगी, सवाया डेढ़ा तक आपको अच्छी उपज मिलती रहेगी। लेकिन आप एक साथ यूरिया ना दे, उसको टुकड़ों में तोड़ के दो। ये मेरा वीडियो कोई जहां बालू का अंश ज्यादा हल्की जमीन वाले देख रहे हैं, जिनके पानी खूब लगते हैं गेहूं में, 10-12 पानी लगते हैं, वो लोग बाली निकलने तक जितने पानी दे रहे हैं उसमें
कोशिश करेंगे तोड़ के यूरिया को दो, तो आपको ज्यादा इफिशियंसी उस यूरिया की मिलेगी, वो यूरिया ज्यादा आपके पौधे को मिल पाएगा, अदरवाइज वो घुल के नीचे चला जाता है। खैर ठीक है, अब मैं ये सवाया डेटा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किताबों में तो ज्यादातर आप पढ़ेंगे कि 120 से 150 किलो नाइट्रोजन लिखी हुई है, लेकिन आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले की यदि अनुशंसा देखेंगे, उसमें जो DBW सीरीज की 187 ये जो वेराइटियां हैं जिनकी 90 क्विंटल प्रति हेक्टर प्लस उपज बताई गई है, यानी 35 क्विंटल प्रति एकड़ प्लस उपज जिनकी बताई गई है, उन वेराइटियों में 225 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की अनुशंसा है बॉस। तो ये जो आप 120 से 150 किलो नाइट्रोजन दे रहे हो, इसको वहां 1.5 गुना कर दिया गया है, तब वो कह रहे हैं इतनी आप उपज ले पाओगे। हालांकि उनमें इसमें सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, उन्होंने बाकी न्यूट्रिएंट भी इसी प्रोपोर्शन में 1.5 गुना बढ़ाया है। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको यदि कोई भ्रमित करे कि आप नहीं यूरिया मत दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको बहुत उत्पादन लेना है। हम खाद वाद डालेंगे और सब चीजों की बातें करते हैं, आप मेरे रेगुलर ऑडियंस है तो जानते होंगे अपन किस लेवल की बातें करते हैं, जमीन की, बचाने की। और लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है कि ज्यादातर इंडियन सोइल्स में नाइट्रोजन डिफिशियंसी है, इसलिए आप यूरिया देने में बहुत कोताही ना बरतें। लेकिन दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक ये कि आप ये नहीं कि यूरिया के भरे जोड़े और टिका दिए एक ही पानी में आगे मस्त हो गए सोगे। यदि आपके भारी जमीन है, गेहूं में 3 ही पानी लगते हैं, तो पहले और दूसरे पानी पे ही यूरिया उसको 2 टुकड़ों में तोड़ के दो, खड़ी फसल की यूरिया को एक बार में मत टिकाओ। और आपके बहुत हल्की जमीन है तो आप जितने टुकड़े करके दोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको हेल्पफुल होगी, आप इसका कोई गलत मीनिंग ना निकालें। एक्सेस यूरिया अप्लीकेशन बहुत अक्सर सिर्फ यूरिया देना भी ठीक नहीं है, बैलेंस फर्टिलाइजर जाने चाहिए, उसकी अपन ने एक डिटेल वीडियो बना के बात कर ली। ये खड़ी फसल में यूरिया के ऊपर एक मैंने जरूरी समझा आप लोगों को ये बताना कि आपको क्लियरिटी तो रहे भाई कि अपन कितनी दे रहे हैं। जैसे खड़ी फसल में एक बैग पहले पानी पे, एक बैग दूसरे पानी पे प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हो, वो तो बहुत बेसिक है, बेस है 85 क्विंटल पर हेक्टर के आसपास ऊपर लेने के लिए, वो तो यानी कि 20 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से लेने के लिए वो तो बेसिक्स है। इसके ऊपर यदि आप उपज ले रहे हो तो आपको उसको न्यूट्रिएंट आपको सवाया डेटा करना ही पड़ेगा बॉस। उम्मीद करता हूँ जानकारी यूजफुल लगी होगी, ये जानकारी ठीक लगी तो आप इस जानकारी को खूब किसानों तक शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। नमस्कार, जय हिंद।